इसराइल और हमास के बीच लगातार 5 दिनों से युद्ध चल रहा है। हमलों की शुरुआत हमास ने की थी तो अब इसराइल भी पलटवार कर रहा है। नमस्कार, मैं भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। बता दें कि इसराइल दुनिया भर में अपने डिफेंस और मिलिट्री सिस्टम के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसराइल अपने देश की सुरक्षा से कभी नहीं चूकता और ना ही कभी हमलावरों को बख्शता है। जब कई साल पहले म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या हुई थी, तब भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सभी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। मोसाद ने 20 सालों तक 6 देशों में कार्रवाई की और 11 प्लेयर्स की हत्या से जुड़े सभी लोगों को मार गिराया था। ओलंपिक गेम्स 1972 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिक शहर में हुआ था। दुनिया के तमाम देशों के खिलाड़ी खेलों के इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। खेल शुरू हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। इसी दौरान एक दिन ऐसा भी आया जिसे ओलंपिक खेलों के इतिहास में काले दिन के तौर पर याद किया जाता। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने बर्बरता के साथ इसराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। 5 सितंबर 1972 को खिलाड़ियों जैसे ट्रैक सूट पहने 8 अजनबी ओलंपिक विलेज में घुस गए, जो कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के आतंकी थे। आतंकियों ने मांग रख दी कि इसराइल की जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए। कभी नहीं झुकने के लिए पहचाने जाने वाले इसराइल ने 2 टुक कह दिया कि आतंकियों की मांगे नहीं मानी जाएगी। इस पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 2 इजरायली खिलाड़ियों के शव हॉस्टल के दरवाजे के बाहर फेंक दिए। संदेश साफ था कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बाकी खिलाड़ियों का भी यही हाल होगा, लेकिन इजरायल फिर भी नहीं झुका। इजरायल की पीएम गोल्ड मेयर के सख्त तेवर देखकर पूरी दुनिया भौचक्की रह गई थी। लेकिन दूसरी ओर इजरायल जर्मनी को इस बात के लिए मनाने में जुटा था कि उसे म्यूनिख में अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजने की मंजूरी दे दी जाए। हालांकि जर्मनी ने इसके लिए सहमति नहीं दी। जब आतंकियों की मांगे नहीं मानी गई तो आतंकियों ने दूसरी मांग रख दी और कहा कि उन्हें बंधक इजरायली खिलाड़ियों के साथ वहां से निकलने दिया जाए। जर्मन सरकार ने आतंकियों की बात मान ली। दरअसल जर्मन सरकार ने प्लान बनाया था कि जब आतंकी वहां से निकलने के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। एयरबेस पर खुद को चारों तरफ से घिरा देख आतंकियों ने निहत्ते खिलाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। कुछ ही देर में एयरबेस पर मौजूद हर आतंकी मार गिराया गया, लेकिन साथ ही सभी 9 खिलाड़ी भी मारे जा चुके थे। लेकिन इसके बाद इसराइल शांत नहीं बैठा। उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों को मार गिराने का प्लान बनाया जो किसी भी तरह से इस ऑपरेशन से जुड़े थे। इस मिशन को रथ ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर का कहर नाम दिया गया था। अपने 11 प्लेयर्स की मौत का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने सीरिया, लेबनान, इटली, पेरिस, एथेंस, साइप्रस समेत 6 देशों में 20 साल तक घूम घूम कर आतंकवादियों को मार गिराया। कभी 200 आतंकियों को एक झटके में उड़ाया तो किसी को बम लगाकर ढेर किया और आखिर में मोसाद ने मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह को मौत के घाट उतारा। इस तरह मोसाद ने 11 प्लेयर्स की मौत का बदला लिया।